नहीं लोग ज्यादा ले ना इसलिए प्रॉब्लम है। कश्मीरी लोटा जल्दी डिस्को हो जाता है। किससे मांग रहे हो? किससे मांग रहे हो? है जी गॉन कंपोजर इज मिसिंग। अच्छा ये ना हो कश्मीरी लोटा दो नंदिनी उल्टा पड़े उल्टा पड़े। आई डोंट नो आपका कंपोजर मिसिंग है। डिस्टर्ब हो रहा है क्या माइक बीच में आउटसाइड हाँ बड़ा इंगे पूना अंदा ले किसको कैसे सर को दे नोबडी साउथ से ठीक है ठीक है। आप सब में कश्मीर से कौन कौन है? कश्मीर से हां हां ये ट्यूबलाइट के बाद आप फिर ढूंढते रह जाओगे इनको थोड़ा सा जल्दी आ जाओ तुम मारो आओ सोनू सोनू यहाँ पे आ जा सजा तू भी आ जा अली आ जा आ जा हो गया फ्रेंड्स नबील हो गया अभी से घर को बाय बाहर ही लेकिन मैं बोलूँ लोटा तो भुजन की जागीर लोटा मेरे फूल पर्वत मेरे बाग दरिया मुझे मेरा कश्मीर लोटा दो आप लोग थोड़ा प्लेस एक्सचेंज कर लो ना। नहीं 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 चले मोहब्बत की तस्वीर लौटा दो वो जन्नत की जागीर लौटा दो मोहब्बत की तस्वीर लौटा दो वो जन्नत की जागीर लौटा दो मेरे फूल पर्वत मेरे बाग दरिया मुझे मेरा कश्मीर लौटा दो मुझे मेरा कश्मीर लौटा दो मुझे मेरा कश्मीर लौटा दो वो जन्नत की जागीर लौटा दो। एक अलावा आपका लास्ट सर एक मिनट आप मेरा पहने रहिए दो मिनट एक बार लास्ट बार करते मोहब्बत की तस्वीर लौटा दो वो जन्नत की जागीर लौटा दो मोहब्बत की तस्वीर लौटा दो
वो जन्नत की जागीर लौटा दो मेरे फूल पर्वत मेरे बाग दरिया मुझे मेरा कश्मीर लौटा दो मुझे मेरा कश्मीर लौटा दो मुझे मेरा कश्मीर लौटा दो वो जगी जागीर लौटा दो मुझे मेरा कश्मीर लौटा दो हाथ से ऊपर करीब चले एक दफा और हाथ यूज करके इनको पूरा बाइट चाहिए नहीं दे वांट द पिक्चर सो यू आर नॉट गिविंग मी अ पिक्चर ना यू आर स्टैंडिंग स्ट्राइट इनको भी ले लो मोहब्बत की तस्वीर लौटा दो वो जन्नत की जागीर मेरे फूल पर्वत मेरे बाग दरिया मुझे मेरा कश्मीर लौटा दो मुझे मेरा कश्मीर लौटा दो मुझे मेरा कश्मीर लौटा दो वो जन्नत की जागीर लौटा दो अब बाकी सिंगर्स बुला लीजिए बाकी सिंगर्स बुला लीजिए आ जाना लुक क्या लुक क्या लुक क्या राइट मैं राइटर हूँ क्या सर लुक क्या एवरीबॉडी लुक क्या इधर लुक क्या सेंटर में या सेंटर क्या लुक क्या फ्रेम्स हो गया अभी बाइट्स किसको करना है बाइट्स बाहर कर लेते हैं मोंटा कश्मीर लौटा दो ये एक एल्बम का आइडिया जो है लियाकत साहब लेकर आए लियाकत जाफरी जी हमारे हिंदुस्तान के बड़े जाने माने उर्दू अदब के इस पोइट हैं और हिंदुस्तान ही नहीं हिंदुस्तान से बाहर भी इनका काफ़ी नाम है मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं तो जब मुझे ये पता चला पिछले दिनों की एहसान का सिलेक्शन इंडियन आइडल में हुआ है तो वो अपने आप में एक बड़ी ही खुशी की बात थी क्योंकि एहसान कश्मीर के उसी इलाके से बिलोंग करते हैं जहाँ से मैं हूँ पूंछ और पूंछ हिंदुस्तान के बिल्कुल आखिरी कोने पर है पाकिस्तान के बॉर्डर पर है और आधा पूंछ बल्कि पाकिस्तान में है और आधा इधर है हमारे हमारे तरफ है तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन पहाड़ों से निकल कर ये एहसान आज यहाँ पर पहुँचा है तो उसके साथ साथ ही मुझे ये खबर मिली लियाकत साहब से कि एक एल्बम किया जा रहा है जो जिसमें कश्मीर के आम लोगों की आवाज़ है कश्मीर के आम लोगों की अपील है अमन के लिए इतने साल से जो हालात कश्मीर पे चल रहे हैं उससे कोई भी ना वाकिफ़ नहीं है और उन किस तरह से आम लोग सफ़र कर रहे हैं वहाँ पर किस तरह से आम लोगों को कितनी किस हालात से गुजरना पड़ा है ये शायद हिंदुस्तान के दूसरे किसी कोने में रहकर इमेजिन करना भी मुश्किल है मेरे हिसाब से क्योंकि मैं पिछले 10-12 साल से मुंबई में रहता हूँ पर मैं कश्मीर से लगातार जुड़ा रहता हूँ और मेरा बचपन वहाँ पर गुजरा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से एक आम आदमी की ज़िंदगी कितनी दुश्वार है वहाँ पर तो वही है हम इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं हम इसमें कोई किसी की साइड नहीं ले रहे हैं एक आम आदमी की आवाज़ है जो लियाकत साहब ने बड़ी खूबसूरती से लिखा है कि मुझे मेरा कश्मीर लौटा दो
तो ये लौटा दो मुझे लगता है कि इन्होंने किसी से मांगा नहीं है कि भाई आपके पास कश्मीर है तो दे दो, उस जन्नत को वापस मांगने की कोशिश की है कि वो जन्नत हमें लौटा दो जो शायद 89 से पहले थी, जहाँ पर दुनिया भर से टूरिस्ट आया करते थे और जहाँ पर जो है महफिलें और मेले हुआ करते थे और आज वहाँ पर मातम है। तो बस इनका कहना था तो मैं भी इस प्रोजेक्ट में जुड़ गया और अभी हम इसका एक बड़ा खूबसूरत वीडियो भी शूट करने वाले हैं। आम जनता कैसे समझेगी कि इस बात को कि मुझे मेरा कश्मीर लौटा दो जी, ये सुनते ही खबर नहीं लगे किसे कह रहा, पाकिस्तानी कह रहा, इंडियन कह रहा है। हाँ नहीं, अच्छा है ये जब तक ना समझें जब तक आप वीडियो देख लें इसका और इस गाने को पूरी तरह सुन लें, और जब आप देखेंगे और सुनेंगे तो ये एक ह्यूमन सॉन्ग है, एक ह्यूमन आवाज़ है, इंसानियत की आवाज़ है और उससे कोई भी कनेक्ट करेगा। ये किसी एक ख़ास धर्म मज़हब के लिए नहीं है, किसी एक ख़ास मुल्क के लिए नहीं है। ये जिस तरह से आज दुनिया में कहीं पर भी आप पूरी दुनिया देखें, इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी हुई है दुनिया के जगह जगह पर, कहीं ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं लोग मर रहे हैं, कहीं पॉलिटिकल उठा पटक हो रही है, तो ये जो चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर भी मरता आम इंसान है, है ना। और जब तक प्रॉब्लम क्या है हमारे कंट्री के अंदर कि हमारा जो यूथ है वो अवेयर तो सब चीज़ों से है। हम फेसबुक पे जब स्क्रॉल करते हैं तो हमें पता होता है कि अरे हाँ ठीक है, लीबिया में ये हो गया, सीरिया में ये हो गया, यहाँ अटैक हो गया, कश्मीर में इतने मर गए, 80 लड़के मर गए, 100 लड़के मर गए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और एंटरटेनमेंट की खबरें देखते हैं, दूसरी चीज़ें देखते हैं। बट जब तक हमारे साथ खुद नहीं घटता है तब तक हम उस चीज़ से कभी जुड़ते नहीं हैं। ये बड़ी दुखद बात है। हालात तो पहले भी रहे हैं, पार्टीशन के वक्त भी बहुत कत्लेआम हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो लिटरेचर में कई चीज़ों में आ गया और वो ज़िंदा रह गई वो चीज़ें, वो यादें कि वो इस तरह की खौफनाक चीज़ें फिर ना हो। आज भी वो सब चीज़ें होती हैं, पर आज मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोगों को और जागरूक होने की और जुड़ने की ज़रूरत है। और इस मैं तो कहता हूँ कि जो वायलेंस है इसका खात्मा होना चाहिए और सब लोगों को मिल के इसके लिए एक साथ लड़ना चाहिए। ये वायलेंस जो है वो किसी एक शख्स के, किसी एक रिलीजन के या किसी एक मुल्क के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वायलेंस कहीं नहीं होना चाहिए। तो इस गाने में भी वही है, एक आम आदमी की आवाज़ है। बाकी आपको लियाकत साहब बताएंगे जी, कैसे जहन में आया ये गाना। जी मैं दरअसल ये एक मेरे दोस्त हैं मुंबई में, रईस खान साहब, जो रईस, जैन और सैम के नाम से अब फिल्मों में दोबारा 2017 में आप बहुत सी फिल्में देखेंगे उनकी म्यूज़िक डायरेक्शन में, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, एक दो साल से दोस्त हैं, हम शेर व अदब पर बात करते रहते हैं। तो इत्तेफाक से एहसान असगर मेरा भांजा भी है, इंडियन आइडल में इस वक्त वो चल रहा है और काफ़ी दूर तक पहुंचा है, अब देखते हैं फाइनल 12 में आता है कि नहीं। तो एक नीयत ये थी कि कश्मीर से एक लड़का गया है, वो कश्मीर की बात करे, वो इतने बड़े स्टेज पे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, इंडियन आइडल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है उसके लिए, और उसने अपने तमाम इंटरव्यूज़ में ये बात कही है कि मैं कश्मीर के नौजवानों की आवाज़ हूँ। तो मुझे खान साहब ने, रईस खान साहब ने आइडिया दिया, यार इंडियन आइडल तो एक दो महीने चलेगा, आपको इस बच्चे को लेके और मेहनत करनी चाहिए और ये जो कश्मीर की आवाज़ है इसको आगे बढ़ाना चाहिए कि कश्मीर नौजवान क्या सोच रहा है इस वक्त। तो राहत काजमी मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, अभी रिसेंटली मंटुस्तान कैनस फिल्म फेस्टिवल में गई थी, आपने उनका नाम सुना होगा, आइडेंटिटी कार्ड उनकी मूवी है, उनके साथ मैंने आइडिया शेयर किया, मैंने कहा हमारे इलाके के हैं, कश्मीरी हैं, तो वो बेहतर इस फील को डायरेक्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल उन्होंने काफ़ी दिनों के बाद हमारी इस अपील को माना। तो एक नज़्म लिखी गई, वो जन्नत की जागीर लौटा दो, मुझे मेरा कश्मीर लौटा दो, इसमें तीन चार अंतरे हैं, जिसमें एहसान को तो हमने प्रमोट करना ही था, लेकिन एहसान किन के थ्रू प्रमोट किया जाए, तो हमने इंडस्ट्री के बहुत ही नामवर तीन लोग, चार सिंगर पकड़े, जिसमें दिव्य कुमार आपके सामने हैं, क्या करेंगे, हवन करेंगे दिव्य जी यहाँ पे, सौरभ एक लड़का मुखर्जी, अभी ट्यूबलाइट में उसके कुछ गाने आप सुनेंगे, आशीष कौर है हमारी अभी जज्बा में, उसने गाने गाए, और एक आध कोई और सिंगर है, शाहिद मालिया जी, वो तो खैर बहुत बड़ा नाम है। तो इन सभी को क्लब करके खान साहब ने और इन सभी लोग ने, राहत भाई ने एक कंसेप्ट डेवलप किया कि हम इसको एक कोरस बनाए और एक एंथम की तरह, अब कश्मीर लौटा दो, जैसे कि राहत काजमी साहब ने भी कहा कि लौटाना किस से लौटाना, इंडिया से वापस मांग रहे हैं हम, पाकिस्तान से वापस मांग रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर में कभी हम दोस्त यार अहबाब बैठे रहते हैं तो हम कहते हैं यार मुझे चैन चाहिए,
यार किससे चाहिए, सुकून चाहिए मुझको, तो थोड़ा सिगरेट लगा लिया ये वो। तो ये चाहना लौटाना ये जस्ट अपना अपने साथ ही बातचीत है, अपने दिल के साथ ही बातचीत है कि मुझे वो कश्मीर चाहिए जो 89 से पहले था, खिलखिला रहा था, मेन स्ट्रीम में था, लोग पढ़ने लिखने बाहर जा रहे थे, इंडस्ट्री में आपके फिल्म के कितने लोग और पूरी फिल्म इंडस्ट्री कश्मीर आती थी, अचानक ये सब कुछ बंद हो गया। और ये एक उम्मीद है, उम्मीद का वीडियो है, पीस का वीडियो है, लव का वीडियो है, मोहब्बत का वीडियो है। इसके आखिर पे हमने ये बात कही है कि अमन चैन सुकून वो नवाज शरीफ दे या मोदी जी दें, जिसके पास भी है वो लौटा दे, क्योंकि दोनों उस जगह के लिए मसला बने हुए हैं, परेशानी बने हुए हैं, इनकी अपनी ईगोज टकरा रही हैं। When two elephant quarrels, it is grass who suffers. वो वाली कैफियत है। कश्मीरी क्या चाहता है ये तो आज मुद्दा ही नहीं है। दोनों ये लोग क्या चाहते हैं और किस तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान इस एक खित्ते को लेके अपने अना की जंग लेके आगे चल रहे हैं। मैं कश्मीर से हूँ, मैं बताऊँ, जब नरेंद्र मोदी आए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इतनी उम्मीद जगी लोगों में कि ये वो आदमी है जो एक डिसीजन कर सकता है, ये वो आदमी है जो ओटा बॉक्स चीज़ें करता है। नोटबंदी देख लीजिए, ये जब करने पर आता है तो ये तो वो एक उम्मीद जो जगी है कि भाई आप बैठिए, टेबल पे आइए, बात कीजिए, जो भी करना है इन लोगों को जीने दीजिए। बस यही एक हुक है, यही एक क्राई है। और इस पूरे गाने में राहत साहब ने जो वीडियो इंशाल्लाह फिल्माने का प्लान बनाया है, उसमें हमने सिर्फ ये बात कहनी है कि एड्रेस कीजिए इशू को, इस मुद्दे का, इंडिया पाकिस्तान आज़ादी जो भी आपके जहन में, भाई दे दो और जान छोड़ो हमारी। ये एक पूरी नीयत है और ये पूरा फील हमारे सभी सिंगर्स ने इसमें डाला है। इसमें जो संगीत है वो बहुत बड़ा एक रोल अदा कर रहा है। खान साहब ने बहुत सोलफुल और बहुत दर्द से भरी हुई धुन बनाई है। और एहसान तो खैर इंडियन आइडल ये एक बहाना बन गया, वरना हम ये बात करना ही चाहते थे। हमारे अगर आप राहत काजमी की फिल्में देखें लगातार पिछले काफ़ी दिनों से, आइडेंटिटी कार्ड उसकी मूवी आई, मंटुस्तान अभी रिसेंटली बहुत बड़ी मूवी थी, बॉर्डर इशू के ऊपर थी, और अब उनकी साइड ए साइड भी एक बड़ी मूवी आ रही है। तो सब में कश्मीर इशू है, कश्मीर कोर इशू है, कश्मीर के बारे में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म एक बहुत बड़ा मीडियम है बात करने का, संगीत बहुत बड़ा मीडियम है। तो इस नीयत से ये एक गाना तैयार हुआ है और हमारी उम्मीद है लोग पसंद करेंगे और तेज़ी के साथ इसको शोहरत मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी। और हमें शोहरत से क्या लेना देना, अगर ये सुन लेंगे, बड़ी बड़ी फोर्सेस यहाँ बैठी हुई हैं, अगर एक मरतबा भी गुनगुनाते हुए हमारे इतने बेहतरीन सिंगर हैं हिंदुस्तान के, अगर इनको एक दफ़ा सुन लेंगे तो हमारी बात वहाँ तक पहुँचेंगी। बाकी हम कोई एक्टिविस्ट नहीं है इसमें, कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान इंडियन आर्मी और हिजबुल मुजाहिदीन और मिलिटेंट कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक इंसान है जो बहुत तंग आया हुआ, बहुत दुखी है, वो अपने लिए सुकून की तलाश में और वो कह रहा है कि मुझे मेरा कश्मीर लौटा दो। जी सर, गाना बेहद अच्छा है और मेरी खुशकिस्मती है कि दिव्या सर के साथ मैं इस सॉन्ग में ड्यूट कर रहा हूँ। ये मेरे लिए अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट। जी, मैं दिव्या सर के सॉन्ग सुन के अब गुनगुनाता था, लेकिन मेरे को ये ख्वाब लिया था मैंने कि मैं तो सोच रहा था सर को कभी देख भी पाऊँ, ये बड़ी बात है, लेकिन मैं सर के साथ खड़ा हूँ, इससे बड़ी बात सर मेरे लिए कोई। क्या क्या टिप्स मिली आपको दीजिए? जी सर, टिप्स तो कुछ नहीं, अभी हम लोग बस मिले हैं, पहली बार इनको मैं मिला हूँ और मैं ज़रूर, अब पता चला कि इंडियन आइडल में है तो मैं ज़रूर देखूँगा भी। एंड आई विश ऑल द बेस्ट। ये प्रोजेक्ट को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि मेरे लिए गाना गाना नॉर्मल दूसरे कोई गाने के लिए था, लेकिन मुझे अब आके यहाँ पे पता चला है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट सॉन्ग है, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं और आई एम ग्लैड कि मैं इस गाने का पार्ट हूँ और बहुत ही प्यारा सा गाना बनाया है रईस सर ने। और मैं बस शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे आप लोगों ने इस गाने का पार्ट बनाया। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और शायद मेरा कश्मीर जाने का सपना पूरा हो जाए इस गाने के बाद। एंड या सो I मुझे मेरा कश्मीर लौटा दो, मुझे मेरा कश्मीर। जब भी आपके सामने जब भी नाम आता है कश्मीर का, जब आप देखते हुए सुनते होंगे तब आपके जहन में पहला क्या आता है? शाहरुख खान। बस वही है, कश्मीर को हमने वही ब्यूटीफुल तरीके से देखा है। मुझे, मैं अभी तक वहाँ गया नहीं हूँ, बस मैंने बस सुना है कि बहुत ही खूबसूरत देश है और मतलब बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही खूबसूरत लोग हैं वहाँ के। मेरे कुछ दोस्त वहाँ से अब बॉम्बे आए हैं और यहाँ पे यू नो अपने अपने फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं,
और मैंने देखा कि कितनी कितनी वार्मथ उनके अंदर है। मेरे वो फ्रेंड की मॉम डैड वो सब कश्मीर से आए थे कुछ दिन पहले और हमारे लिए वहाँ से खाना बना के लेके आए थे, तो मैं ये बस इतना होमली फील कराया उन्होंने। और मैं यही सोच रहा था कि यार बस एक दोस्त के परिवार से मैं अभी मिला हूँ और वो इतने प्यारे हैं और इतने केयरिंग हैं, तो मतलब आगे बाकी अगर कश्मीर जाएंगे तो कितनी अच्छी मेहमान नवाजी होगी। तो मैं बस उसी का वेट कर रहा हूँ कि मैं कब कश्मीर जाऊँ और लोगों से मिलूँ। और बस मैंने अभी तक खाली इमेजिन किया कि वहाँ पे लोग कैसे होंगे, बस एक बार वहाँ जाऊँ और देखूं कि कितने प्यारे लोग रहते हैं वहाँ पर। गाने के पूछ सकते हैं, कंट्रोवर्सी हो जाएगी कुछ कि मुझे मेरा कश्मीर लौटा तो जो हम आर्टिस्ट लोग हैं हम कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं, हम गाना गाने का काम करते हैं। सो एक लाइन मैं गाता हूँ, क्या देना मेरी क्या था मोहब्बत की तस्वीर लौटा दो, वो जन्नत की जागीर लौटा दो, मेरे फूल पर्वत मेरे बाग दरिया मुझे मेरा कश्मीर लौटा दो। अच्छा एक बयान मेरा, जब इसका कंसेप्ट डेवलप हुआ एक बात कहना मैं बहुत अहम बात है, ये मेरा भाई यहाँ पे है सोनू वारसी होंगे यहाँ पे कहीं पे खड़े थे, सोनू प्लीज़ आइए। हाँ ये सोनू वारसी मेरा भाई है, दिल्ली में है और वारसी बरादरान, इन्होंने ये पंच लाइन दी मुझे कश्मीर लौटा दो, क्योंकि ये ऑलरेडी नेपाल लौटा दो टाइप का एक वीडियो कर चुके थे जो बहुत बड़ा क्रेज़ बन चुका था यूट्यूब के ऊपर। तो इनका एक बड़ा बुनियादी और मतलब मैं कहता हूँ कि इस शख्स ने मुझे वो एक हुक लाइन दी, वो हौसला दिया कि मामू ऐसा कुछ करो, मेरा भांजा है मेरा बच्चा ही है। तो YouTube पे वो अभी भी होगा वो वीडियो इंशाल्लाह, काफ़ी लोगों ने देखा है उसको, मुझे मेरा नेपाल लौटा दो जब जलजला आया था, तो बिल्कुल वही फील वही थाट। लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था जिसमें काफ़ी लोगों की जान चली गई थी, तो वो नेपाल लौटा दो मीन्स कंस्ट्रक्शन नहीं हुई वहाँ पे, लोगों को बाद में बसाया नहीं गया, तो ये एक दुख इस लड़के ने उठाया था लेकिन नहीं सुना गया, मुझे नहीं लगता लोगों ने ज़्यादा असर लिया इसका। तो दोबारा ये इसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा है और अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि नीयत है लड़के की कि कहीं तक ये बातें पहुँचें, इस बात को दूर तक पहुँचाया जा सके। तो सोनू वारसी भी हमारे इस प्रोजेक्ट का एक बहुत ही बुनियादी हिस्सा है और हम उम्मीद करते हैं कि जब ये गीत बाहर आए तो ये क्रेज़ बने कोला वेरिटी की तरह, गंगनम स्टाइल की तरह, और आप इसको प्रमोट करिए। ये पीस मोहब्बत और लव का एक मैसेज है फ्राम कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।